सबसे मैं सरकार से कहूंगी कि सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क आना चाहिए। लोग आजकल 4G के उसमें जी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे यहाँ 2G भी नहीं पकड़ रहा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कि हमारा भारत डिजिटल इंडिया बने, लेकिन हमारा गाँव इतना पिछड़ा हुआ है कि बिल्कुल भी यहाँ पर। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, इसके इस समस्या के पीछे जिम्मेदार कौन है, आप थोड़ा बताइए जरा। नेता लोग है, कौन है? नेता लोग भी हैं और आप लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप ऐसे ऐसे नहीं, आप लोगों की ये कुछ नहीं जानती है, बिल्कुल। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। सारे लोग ऐसे हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार है। नहीं आ पाया तो आज तक यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा आई नहीं। तो साथियों, फाइनली हम बनाड़ी पहुँच चुके हैं। अब आपको बनाड़ी का गांव दिखाता हूँ और यहाँ से हम इष्ट देवता को लेकर गडोली जाएंगे। तो थोड़ा मैं बनाड़ी की एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर आज के इस डिजिटल जमाने में भी नेटवर्क की बड़ी समस्या दोस्तों। जब से यहाँ पर ये लोग बसे होंगे, उस समय तो उतना चलन नहीं होगा, लेकिन जब से ये डिजिटल एरा आया है दोस्तों, तो नेटवर्क का बड़ा इश्यू रहता है यहाँ पर। और इस लॉकडाउन ने तो नेटवर्क की अहमियत जो है दोस्तों वो बता ही दी है, क्योंकि जो लोग अपनी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते थे, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते थे, ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ के लोग थे वो यहाँ से इस काम को नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उस दौर में भी भार ही रहे दोस्तों, अपने गांव नहीं आ पाए। तो इस समस्या को हो सके तो आप दूर दूर तक पहुँचाएँ दोस्तों इसको, ये और यहाँ के थोड़ा बहुत स्थानीय लोग भी साथ देंगे, तो उनसे थोड़ा नेटवर्क के बारे में बात करूँगा मैं। तो साथियों, अब मैं बनाड़ी के स्थानीय लोगों से पूछता हूँ, नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, तो आप बोलना चाहोगे कुछ तो आइए यहाँ पे। तो साथियों, यहाँ पर दो चार बालिकाएं हैं, फिर और लोगों से पूछूंगा, अगर ये बोलने में इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर इस वीडियो को मैं आगे तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आइए, एक बोलेगा ना एक। हाँ, तो ये बालिका कुछ बोलना चाह रही है, तो सबसे पहले आपका नाम? श्वेता कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए। श्वेता कुमार। हाँ, तो मुझे मुझे बताइए जरा, यहाँ पर नेटवर्क की क्या क्या समस्याएं हैं, कब से है और किन किन प्रॉब्लम्स का तुम्हें सामना करना पड़ता है ऐसे डिजिटल एरा में भी? नेटवर्क नहीं होता है। हाँ जी। हमारी पढ़ाई भी नहीं होती है। हाँ जी। और हमारे गांव में किसी को जैसे कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो वो भी नहीं होता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे इस बार कोरोना का ये काल आया, लॉकडाउन में सभी लोग घर आए और यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पाई, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई इतनी सारी, तो एक आदमी बोलो ना, कोई एक अच्छे से बोलना है जोर से। तो आपका नाम? मेरा नाम सीमा कुमार। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। तो सीमा साथियों, आपको बताना चाहिए बनाड़ी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको नेटवर्क की वजह से, क्योंकि साथियों आजकल के इस डिजिटल एरा में भी इसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना नेटवर्क के कैसे रहते होंगे लोग और इनकी क्या क्या लाइफ स्टाइल है यहाँ पर बिना नेटवर्क की। तो सीमा बताइए आप दर्शकों को। हम यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारे जो बच्चे हैं गांव के, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। हाँ जी। और जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, वो बिल्कुल भी पढ़ाई से उनका जो स्तर है बहुत स्लो चल रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कि हमारा भारत डिजिटल इंडिया बने, लेकिन हमारा गाँव इतना पिछड़ा हुआ है कि बिल्कुल भी है, यहाँ पर बच्चे बहुत ही स्लो पढ़ाई के मामले में, अभी उन्हें जो मतलब उनकी पढ़ाई का स्टेज था वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और वो एक अंधकार में जा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा, आपने बताया। अब मेरे पास यहाँ पर आंटी जी है, तो सबसे पहले आंटी जी को प्रणाम। आंटी जी तुम मैं बतावा, अरे बोल करो कुछ गढ़वाली में बोलो। तो आंटी जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम है। आंटी जी, तो आप बताइए जरा, इस बार जैसे कोरोना का काल आया, तो लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इस मतलब कोरोना की वजह से, और यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो आप बताइए जरा दर्शकों को थोड़ा।
सारे बच्चों को दूर से जाना पड़ेगा, जंगल जंगल ढूंढना पड़ेगा, टावर के नेटवर्क की बहुत परेशानी है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा इस समस्या के पीछे जिम्मेदार कौन है, आप थोड़ा बताइए जरा। नेता लोग है, कौन है? नेता लोग भी हैं और आप लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप ऐसे ऐसे नहीं नहीं नहीं, आप लोगों की ये महिलाएं कुछ नहीं जानती है। आज तक यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा आई नहीं। अब तुम बोल चंद कुछ, हाँ तो अच्छी से बोलो थोड़ा है। तो साथियों, सीमा जी यहाँ पर कुछ बताना चाह रही है नेटवर्क की, मतलब आजकल हम सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों कि बिना टावर के कैसे रहते हो ये लोग यहाँ पर। अगर कभी कोई बीमार पड़ गया और एम्बुलेंस को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे एम्बुलेंस को, है ना? तो सीमा जी आप बताइए जरा फिर दर्शकों को, मतलब कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पर बिना टावर के, और जो इस वीडियो को देखेगा तो आप उनसे मतलब क्या अपनी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि यहाँ पर टावर आए, और जो सरकार तक ये वीडियो पहुँचेगी तो आप क्या क्या उनसे अपनी ये रखना चाहेंगे? मैं सरकार से कहूँगी कि सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क आना चाहिए। लोग आजकल 4G के उसमें जी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे यहाँ 2G भी नहीं पकड़ रहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इसकी नेटवर्क की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से ना जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हमारे बच्चों को ना कहीं दूर दूर जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जंगलों में भटकना पड़ता है। यहाँ पे टावर आएगा, ऐसे फोन को रखो ऐसे रखो तब टावर आएगा, हाँ बात तक भी नहीं होती यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खुद ही फोन खिड़की के ऐसे रखना पड़ता है, तभी ऐसे रखना पड़ता है। जी जी जी, हाँ जी। तो और कुछ आपकी समस्याएं, मतलब इस जैसे कोरोना काल में आपने देखा सभी लोग घर आए क्योंकि घर से ही उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, और जो बनाड़ी के बच्चे हैं वो उस चीज से तो वंचित रह गए ना। हाँ जी, हमारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए कोई ऊपर कहीं जंगल में जाता है, कोई ऊपर धार में वहाँ नेटवर्क ढूंढने, यहाँ है नहीं, गाँव में कहीं नेटवर्क ही नहीं है, 2G तक भी नहीं पकड़ता यहाँ पे। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, हम प्रयास करेंगे इस वीडियो को दूर तक पहुँचाएंगे, सरकार के कानों तक आवाज पहुँचेगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। ग्रेजुएट हूँ मैंने, ग्रुप सी के फॉर्म भरा रखे, उसकी तैयारी के लिए मुझे बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कैसे पढ़ पाएंगे ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब से बहुत सारी तैयारियाँ हो जाती है। वही मेरे बोलने का मतलब है कि जितनी जल्दी नेटवर्क यहाँ पे लगे हमारी पढ़ाई जारी रहेगी, हमारे बच्चों की भी तैयारी होगी। जी जी, ठीक है फिर, ठीक है सीमा जी, फिर मैं इस वीडियो को जरूर आगे तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, ठीक है।